हेलो गाइस, वेलकम टू बायोटॉनिक्स। और जेएसएससी का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है बायोडायवर्सिटी का, उसमें ये जो हमारा अगला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चंस रहते हैं, उनके बुक्स पे नाम, उनके बुक जो बुक उन्होंने लिखा है उस पे क्वेश्चंस रहते हैं, और क्या डिस्कवरी उन्होंने किया, क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिए, इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो गाइज, ये टॉपिक अगर आप उसको अच्छे से आप कर लोगे तो दो क्वेश्चंस तो आपके पक्के हैं, और आप उन दो क्वेश्चन को आप पॉजिटिव स्कोर करोगे। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखें तो पहले ये था कि ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। सो क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीज़न ये था कि ये क्लासिफाई कर पाए यूज़फुल और हार्मफुल प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। तो यूज़बिलिटी के अकॉर्डिंगली कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो यूज़फुल हैं और कौन से प्लांट्स हार्मफुल हैं, इसको देखने के लिए जो है सिस्टम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इसमें सबसे पहले नाम आता है प्लिनी का, प्लिनी द एल्डर। आप ये एकदम प्लिनी को याद कर लीजिएगा। प्लिनी जो थे 28 to 79 AD में इनका जो था ये टाइम ड्यूरेशन था, एंड ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। प्लिनी ने फर्स्ट टाइम पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब क्वेश्चन आती है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो सिस्टम होता है जिसपे कि बहुत कम कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर क्लासिफाई किया गया। तो ये बाद का डोमेन है। पहले जो था, सबसे पहले आया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि प्लिनी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम पे। सो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लिनी द एल्डर। इसमें इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, ओके, हिस्टोरिया नेचुरलिस। प्लिनी ने कौन सी बुक दी लिखी थी, सो हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। देखिए, प्लिनी द एल्डर, इन्होंने सिस्टम कौन सा दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और बुक कौन सी लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। ये दोनों देखिए कंट्रोवर्सी है ना, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल याद करने के लिए है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया और बुक लिख रहे हैं हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है, इसलिए इसको याद, ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि बुक हु रोट द बुक, हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। तो प्लिनी ने लिखा था ये बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट, एंड इसमें अराउंड 2000 आइटम्स के बारे में इन्होंने लिखा था, जिसमें कि 1000 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स ऐसे थे जिनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस था, उनके बारे में प्लिनी ने बताया था। नेक्स्ट आते हैं हम जॉन रे के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रे 1627 to 1705 इनका टाइम ड्यूरेशन था, और ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, और इन्होंने अराउंड 18,600 प्लांट स्पीशीज के बारे में बताया। 18,600 प्लांट स्पीशीज के बारे में इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था जिनके 3 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे, और उस जर्नल का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। तो जॉन रे ने अपने जो प्लांट्स इन्होंने डिस्कवर किया था, जो प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया 18,600 प्लांट्स के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में किस वॉल्यूम, वो 3 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश किए थे, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जॉन रे के बारे में, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये VVI है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म स्पीशीज। सो जॉन रे वॉज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म स्पीशीज। तो स्पीशीज जॉन रे, एकदम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि टर्म स्पीशीज किसने दिया था, तो ये भाई जॉन रे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म स्पीशीज को कॉइन किया था। गाइज, फिर बात करते हैं कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि बायोलॉजी का हर एक बच्चा जानता है, सर कैरोलस लीनियस। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का
इन्होंने आविष्कार किया था, इन्होंने ही बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था। तो सर कैरोलस लिनियस जो है वो स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, और इनके द्वारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी थी, एक है स्पीशीज प्लांटेरम, तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्लांटेरम तो ये प्लांट से रिलेटेड होगा, और ये बुक आई थी 1753 में, 1753 में ये बुक जो है पब्लिश हुई थी, और इसमें लगभग जो है 5900 स्पीशीज प्लांट के 5900 स्पीशीज के बारे में इन्होंने बताया था। सिस्टम ऑफ नेचुरी जो बुक है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है कि इन्होंने लिखी वही हुई है जो सर कैरोलस लिनियस ने जो बुक लिखी है, इसमें सिस्टम ऑफ नेचुरी जो है ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है कि सिस्टम ऑफ नेचुरी बुक वॉज रिटन बाई हुम, ठीक है, तो तीन चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, तो सिस्टम ऑफ नेचुरी आप याद रखिएगा कि सिस्टम ऑफ नेचुरी बुक लिखने वाले थे सर कैरोलस लिनियस, और इसमें जो है एनिमल्स के बारे में बताया गया था, इसमें 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया गया था। तो एरिस्टोटल से लिनियस तक जब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एरिस्टोटल से लेकर के लिनियस तक जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम किया। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स को इन्होंने ध्यान में रखा, और उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने जो क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो ये सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारी डेवलपमेंट होने लगी, माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारे फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, तो जो एस्पेक्ट था स्टडी का, जो एस्पेक्ट था उनके जो कैरेक्टर्स थे, वो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स का जो एस्पेक्ट था वो सारा बढ़ा, उनका दायरा बढ़ा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया। तब आया हमारा क्लासिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फेज़ में ये नेक्स्ट फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में आता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो स्टडी का दायरा है ऑर्गेनिजम्स का, जो कैरेक्टर्स का जो हम स्टडी करते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, और उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रख कर ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगला फेज़ जो है आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट फेज़ जो है वो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी का फेज़, जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ही आया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको कि हम फेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और फेनेटिक्स। तो आफ्टर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जब उन्होंने जेनेटिक और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को भी जब उन्होंने ध्यान में रखना शुरू किया, तब हमारा अगला सिस्टम आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, या फिर जिसको हम कहते हैं क्लाडिस्टिक्स। तो ये जब स्टेज हमारा पहुंचा जब हम इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और जेनेटिक एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख करके क्लासिफाई, जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना जब हमने शुरू किया, तब ये इस एज को हम कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स जो थे हमारे सर जूलियन हक्सली कहलाए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स किसको कहा गया, सर जूलियन हक्सली को। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हु वॉज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, तो सर जूलियन हक्सली। तो इस तरह से ये हमारा था हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी का विकास किस तरह से हुआ, सिस्टमैटिक्स का विकास किस तरह से हुआ, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और किस किस एज में किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन सी बुक उन्होंने पब्लिश की, दैट इज दैट वी हैव स्टडीड अंडर दिस टॉपिक। सो गाइज, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।